इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 31वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दरअसल विराट कोहली ने टीम में दो नए चेहरे शामिल किए हैं। विकेटकीपर केएस भरत को डेब्यू का मौका मिला है, तो वहीं श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसारंगा को भी आईपीएल कैप मिली है। मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो बेंगलोर की टीम अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। उसने 7 में से 5 मैच जीते हैं। वहीं कोलकाता की टीम ने 7 में से 2 ही मैचों में जीत हासिल की है और 5 में उसे हार मिली है। मतलब कोलकाता को प्लेऑफ में अगर जगह बनानी है तो उसके लिए अब हर मैच जीतना बेहद अहम है। बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच कांटे की टक्कर होती रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14 मैच जीते हैं और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 13 मैचों में जीत हासिल की है। आखिरी बार जब इन दोनों टीमों की टक्कर हुई थी तो चेन्नई की पिच पर बैंगलोर ने 204 रन बना डाले थे और उसे कोलकाता पर 38 रनों की बड़ी जीत हासिल हुई थी। बता दें, आईपीएल 2021 के दूसरे फेज से पहले बैंगलोर की टीम में 5 बड़े बदलाव हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर चोट के चलते बाहर हैं। डैनियल सैम्स, एडम जंपा, फिन एलन और केन रिचर्डसन ने नाम वापस ले लिया है। उनकी जगह वानिंदु हसारंगा, दुष्मता चमीरा, टिम डेविड, जॉर्ज गॉटन और आकाशदीप को बैंगलोर ने टीम में शामिल किया है। कोलकाता की बात करें तो पैट कमिंग्स दूसरे मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह केकेआर ने टीम सऊदी को मौका दिया है।